कहा गया है सर कि सारे दुख दर्द हर लेते हैं एक बार में, सारे दुख दर्द हर लेते हैं एक बार में, तुम आओ कभी महादेव के दरबार में। नमस्कार मित्रों, मैं दीपक रतवार आपका फिर से स्वागत अभिनंदन करता हूँ आपके अपने YouTube क्लासेस गोगा जी क्लासेस पर। आज हम डिस्कस करेंगे आपका थोड़ा सा कंटेंट, जो हम जहाँ पे हमने छोड़ा था उसे थोड़ा सा आगे लेकर के चलेंगे, और हमने जहाँ एक मनोविज्ञान का एक उद्भव हमने देखा था, मनोविज्ञान से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखी थी, मनोविज्ञान के समय के साथ बदलते स्वरूप को देखा था, वहां से आगे की हम चर्चा करेंगे। और उस चर्चा को हम जिस नाम से आप जानते हो, जिसे आप कहते हो मनोविज्ञान की शाखाएं, क्या कहते हो सर? मनोविज्ञान की शाखाएं, मनोविज्ञान की शाखाएं, मनोविज्ञान की शाखाएं तो सर बहुत सारी होती हैं, लेकिन हमको लगभग अप्रोक्सीमेटली कुछ 14 शाखाएं पढ़नी होती हैं। कितनी शाखाएं पढ़नी होती हैं? 14 शाखाएं हमको पढ़नी होती हैं। और 14 शाखाएं पढ़ने के लिए हम ज्यादा, देखो इनको याद करने की आवश्यकता अगर आप करेंगे या रटने की आप इनको कोशिश करेंगे, तो हो सकता है आपको रटने में थोड़ी प्रॉब्लम महसूस हो। इसको एक कहानी के माध्यम से हम पढ़ते जाएंगे सर, और कहानी कुछ ऐसे पढ़ेंगे कि आपको भी पता है कि आज का जो ट्रेंड है वो सबसे ज्यादा एक फ्रेंडशिप ट्रेंड है। कौन सा ट्रेंड है सर? फ्रेंडशिप ट्रेंड, जहाँ हर हजारों लोग अपने लिए कोई फ्रेंड ढूंढता है या कोई फ्रेंड बनाता है। पहले दिन फ्रेंड की सोच क्या होती है, और आखिरी दिन फ्रेंड किस तरीके से अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हुए आगे चलता है। तो अपन उसी एक कहानी के माध्यम से इन शाखाओं का अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, वो आपके सामने इस प्रकार है। हमने कहा जब कोई पहली बार किसी से मिलता है तो कैसी बातें करता है? आप जब किसी से पहली बार मिलने जाओ तो कैसी बातें करेंगे आप? उम्मीद है आप सामान्य ही बातें करेंगे। आप अपने लिए कोई लड़का या लड़की देखने जाए रिश्ते के लिए, शादी के लिए, तो पहले ही दिन आप किस तरीके की बातें करना पसंद करेंगे? उम्मीद है आप शादी से पहले या पहली मुलाकात में आप सामान्य बातें करेंगे, और सामान्य बातें करते करते वो बातें हो जाएंगी असामान्य। कैसे? असामान्य बातें हो जाएंगी, और असामान्य बातें होने के बाद आप दोनों की ही बातों में होगी तुलना। क्या होगी सर? तुलना होगी, और तुलना के बाद आप करेंगे प्रयोग। कुछ बच्चे प्रयोग पहले करने की कोशिश करते हैं, ये गलत है, सुधार करिएगा। प्रयोग हुआ, प्रयोग होने के बाद पता चला आपके समाज को, और समाज के कुछ लोग गए आपके घर कि अंकल जी, अंकल जी आपका लड़का या आपकी लड़की कुछ प्रयोग करते हुए मिले हैं, उनको समझाइए थोड़ा। और जैसे आपके घर वालों ने आपको समझाने की कोशिश की, अगर लड़की वाली लड़कियों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है लड़का क्या करता है, अगर लड़की ने कहा सर कि नौकरी करता है, तो फिर वो घर वाले भी इसके लिए एग्री हो जाते हैं, चलो शादी करा लेते हैं। और शादी कराने के बाद क्या होते हैं सर? शादी कराने के बाद क्या होता है? उसने कहा बच्चे होते हैं सर, और बच्चे पहले बालक होंगे, फिर किशोर होंगे, फिर प्रौढ़ होंगे। मेरे शब्दों पर ध्यान देने की कोशिश करना। पहले बच्चे बाल्यावस्था में होंगे, ऐसा अवस्था में रहेंगे, बालक रहेंगे, फिर किशोर रहेंगे, और उसके बाद प्रौढ़ रहेंगे। और प्रौढ़ बालकों का हम क्या करेंगे? विकास पे डिस्कस करेंगे। प्रौढ़ बालकों की किस पे डिस्कस करेंगे? विकास पे डिस्कस करेंगे। और विकास के बाद उनकी शिक्षा पर हम बात करेंगे। शिक्षा देने के बाद हम देखना चाहेंगे उनमें क्या क्या सुधार हुआ है, नहीं हुआ है, और सुधार होने के बाद हम देखते हैं कि उनका निदान और उपचार की हम डिस्कस करेंगे। निदान और उपचार करने के बाद हम देखते हैं सर कि कितने लोगों में सुधार हुआ है और कितने लोगों में सुधार नहीं हुआ है, अर्थात हम देखेंगे कि पशु कितने हैं और परा कितने हैं। परा शब्द या परा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की नवीनतम शाखा मानी जाती है। इनको एक बार देख लेते हैं, वो आपके इस प्रकार रहेंगे कि सबसे पहले बातें कैसी रहूंगी? सामान्य बातें। कैसी बातें होती हैं सर? सामान्य बातें। पहली बार पहली मुलाकात में कैसी बातें होंगी? सामान्य बातें ही होंगी। और सामान्य बातों के बाद बातें कैसे रहने वाली है आपकी? असामान्य। कैसे रहने वाली सर? असामान्य आपकी बातें रहने वाली हैं। असामान्य बातें होने के बाद आपकी बातों में होगी तुलना। क्या होगी सर? तुलना होगी। और तुलना के बाद आप करना चाहेंगे प्रयोग। क्या करना चाहेंगे सर? प्रयोग करना चाहेंगे। और प्रयोग करने के बाद सर आप के इस प्रयोग का पता चला समाज को। किसको सर? समाज को।
और समाज को पता चलने के बाद बात पहुंची है आपके घर, और घर वाले पूछेंगे कि लड़का क्या करता है, कोई औद्योगिक वगैरह करता है कि नहीं करता है सर, तो आपसे पूछा गया कि लड़का नौकरी क्या करता है, लड़के का उद्योग क्या है, उस उद्योग को नाम दिया मैंने औद्योगिक, और औद्योगिक से आगे आप जब बढ़े तो उद्योग के बाद डेफिनेटली आपकी शादी हो जानी है, और शादी के बाद आपके रहेंगे कुछ बाल, जिसको बालक आप या बाल्यावस्था से डिस्कस करेंगे, बाल से आप पहुंचेंगे सीधे ही किशोर में, किशोर के बाद आप डिस्कस करेंगे प्रौढ़ का, किसका सर, प्रौढ़ का, प्रौढ़ के बाद आप डिस्कस करना चाहेंगे उनकी शिक्षा का, और शिक्षा के बाद आप देखना चाहेंगे उनका विकास, और विकास के बाद आप डेफिनेटली आप उन दोनों का निदान और उपचार भी करना चाहेंगे। निदान और उपचार भी करना चाहेंगे, और निदान और उपचार करने के बाद आप पशुओं को अलग करेंगे और पराओं को अलग करेंगे, परा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की आधुनिकतम या नवीनतम शाखा के रूप में ही परा मनोविज्ञान को जाना जाता है। अब इसमें थोड़ा सा इसको संशोधित करते हुए इसके साथ कुछ शब्द जोड़ते चलते हैं, जैसे सामान्य मनोविज्ञान, क्या जोड़ा सर हमने, सामान्य मनोविज्ञान, क्या जोड़ा सर, सामान्य मनोविज्ञान हमने जोड़ा, मनोविज्ञान शब्द सबके साथ लगाना है, असामान्य मनोविज्ञान हमने जोड़ा, असामान्य मनोविज्ञान के बाद आपने तुलनात्मक, क्या सर, तुलनात्मक मनोविज्ञान आपने जोड़ा, तुलनात्मक मनोविज्ञान आपने जोड़ा, तुलनात्मक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान जोड़ा, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान आपने जोड़ा, उसके बाद आप सामाजिक, क्या जोड़ेंगे सर, सामाजिक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान आप जोड़ेंगे, औद्योगिक मनोविज्ञान आप जोड़ेंगे, बाल मनोविज्ञान आप जोड़ेंगे, किशोर मनोविज्ञान आप पढ़ेंगे सर, उसके बाद प्रौढ़ मनोविज्ञान आप पढ़ेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान भी आप पढ़ेंगे, और विकास मनोविज्ञान भी आप सर पढ़ेंगे, और निदान उपचार मनोविज्ञान आप पढ़ेंगे सर, और पशु मनोविज्ञान भी आपको पढ़ना है, और परा मनोविज्ञान यह आपके मनोविज्ञान के आधुनिकतम या नवीनतम शाखाओं में से मानी जाती है। ये देख लेते, काउंट देख लेते कितनी हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये कुछ मनोविज्ञान की 14 शाखाएं आपके सामने स्क्रीन पर हैं, और उम्मीद है आप इनको रटने की कोशिश तो नहीं करेंगे, एक बार रिहर्सल कर लेते हैं। इस मनोविज्ञान को अपने व्यवहार पर अप्लाई करने की कोशिश करो, जैसे आप अपने ऊपर प्रयोग करके देखिए कि आप जब किसी से पहली बार मिलेंगे तो कैसी बातें करेंगे, जाहिर सी बात है सामान्य ही बातें करेंगे, अगर कोई असामान्य या प्रयोग वाली बातें पहले करता है तो आपको सामने वाला बड़ी बेइज्जती के साथ भगाने की भी कोशिश करेगा, तो जाहिर सी बात है आप सबसे पहले किससे किसी मिलने गए तो कैसी बातें करेंगे, सामान्य बातें करेंगे, उसके बाद कैसी बातें रहेंगी, असामान्य रहेंगी, उसके बाद होगी तुलना, तुलना के बाद बढ़ेगा प्रयोग, क्या बढ़ेगा सर, प्रयोग बढ़ेगा, और प्रयोग करने के बाद हम देखते हैं आपके पता चलेगा समाज को, और समाज के बाद घर वाले जहाँ पर आके अटकते हैं वो है आपका उद्योग, नौकरी। 50% लव स्टोरियों में नौकरी की वजह से एक दूसरे के नहीं हो पाते, तो नौकरी या उद्योग एक किसी भी स्टोरी में सबसे मायने रखता है। नौकरी के बाद डेफिनेटली शादी होगी, शादी के बाद क्या होता है, बालक होते, इसमें सोचने वाली क्या बात है, बाल मनोविज्ञान पढ़ेंगे, उसके बाद किशोर मनोविज्ञान पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे प्रौढ़ मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान के बाद उन बच्चों की शिक्षा पे भी तो बात करेंगे, तो शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ेंगे, उन शिक्षा के बाद उनके विकास को हम जांचेंगे तो विकास मनोविज्ञान की बात करेंगे, विकास का कहीं टेस्ट भी लेंगे, कारण में समस्या को भी देखेंगे, तो हम निदान में उपचार का भी प्रयोग करेंगे, और उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ पशु रह जाते हैं, कुछ परा हो जाते हैं, मतलब कुछ पशु मनोविज्ञान के बारे में भी डिस्कस करेंगे और कुछ परा मनोविज्ञान के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, जो परा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की आधुनिकतम शाखा है, ऐसी शाखा है सर, आधुनिकतम शाखा है, ऐसी शाखा है
आधुनिकतम शाखा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मनोविज्ञान की आधुनिकतम शाखा निम्न में से कौन सी है, तो आपकी कौन सी है, परामनोविज्ञान। अच्छा, परामनोविज्ञान में होता क्या है, परामनोविज्ञान में होता है उलझी हुई बुद्धियों को सुलझाना, उलझी हुई बुद्धियों को सुलझाना ही किसके अंतर्गत माना जाता है, आपके परामनोविज्ञान के अंतर्गत। थोड़ा सा आगे और चलते हैं, इनको रखने की तो कोशिश मत करना आप, और मैं उम्मीद भी करूँगा जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ आप लेके जरूर सकते हैं उसको, तो डेफिनेटली आप लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। मैं एक मिनट साइड में हो जाता हूँ, एक बार वापस से आप इसको देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात है कि आपने सामान्य मनोविज्ञान की, उसके बाद असामान्य मनोविज्ञान की बातें की, उसके बाद तुलनात्मक मनोविज्ञान पर गए, तुलनात्मक मनोविज्ञान के बाद आपने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान को समझा, बाद में समझा आपने सामाजिक मनोविज्ञान को, उसके बाद औद्योगिक मनोविज्ञान को, बाल मनोविज्ञान को, किशोर मनोविज्ञान को, प्रौढ़ मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, विकास मनोविज्ञान, निदान और उपचार मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, परामनोविज्ञान, जो कि आधुनिकतम शाखा है किसकी, मनोविज्ञान की। ओके, हो गया होगा शायद आपका स्क्रीनशॉट, देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ जैसे पॉइंट्स होते हैं, जैसे प्रयोगात्मक कुछ मनोविज्ञान के जनक अपन डिस्कस करेंगे इसी मनोविज्ञान की शाखाओं के अंतर्गत। जैसे हम डिस्कस करें कि भाई प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन, तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है सर, मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ, जिसको याद नहीं है कोई बात नहीं, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक है विलियम वुंड। कौन सर, विलियम वुंड, विलियम वुंड इनके जनक माने जाएंगे। कौन माने जाएंगे सर, जनक माने जाएंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो आपके जो किशोर मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो जनक कौन है आपके, स्टेनली हॉल। अगर आपको कभी जैसे आप आगे पढ़ेंगे कोई बात नहीं, तो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ कि आप किशोर मनोविज्ञान के, अगर आपको जनक के बारे में सोचना पड़े, किशोर मनोविज्ञान के जनक के बारे में अगर आपको जानना पड़े, तो कौन है वो सर, स्टेनली हॉल। स्टेनली हॉल कौन है सर, स्टेनली हॉल है। और स्टेनली हॉल ने किशोरावस्था का ये जो सिद्धांत था वो आपका दिया था 1904 में, किसमें दिया था 1904 में, एक एडल्ट सेंस पुस्तक के नाम से, एडल्ट सेंस पुस्तक के अंतर्गत इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और एक छोटी सी मैं बात बताऊँ, हालांकि है तो वो बहुत बड़ी, लेकिन आप जैसे विद्वान साथियों के लिए तो वो छोटी सी बात रहेगी। वो छोटी सी बात यह है कि सबसे पहले किशोर शब्द का, सबसे पहले किशोर शब्द का प्रयोग भी, किशोर शब्द का प्रयोग भी 1904 में स्टेनली हॉल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, स्टेनली हॉल के द्वारा। किस पुस्तक में किया गया, एडोलसेंस पुस्तक में किया गया। किस पुस्तक में किया गया सर, एडोलसेंस पुस्तक में किया गया। आगे हम थोड़ा सा आगे चले तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के बारे में आपसे अगर पूछा जाए, तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है सर आपके कौन, बताइए जरा, थोड़ा कोशिश करिए। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं आपके थॉर्नडाइक। कौन माने जाते हैं, थॉर्नडाइक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। और अब थोड़ा सा और आगे चलिएगा, तो एक शब्द आप देखते हो पशु मनोविज्ञान, क्या पशु मनोविज्ञान, तो पशु मनोविज्ञान को भी डिस्कस कर लेते हैं। पशु मनोविज्ञान के जनक कौन, पशु मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो पशु मनोविज्ञान के जनक भी आपके एकमात्र व्यक्ति जिसे आप थॉर्नडाइक के नाम से ही जानते हो, कौन है सर, थॉर्नडाइक है। कौन है सर, थॉर्नडाइक है। और है कौन, जनक है। पशु मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक, और आपके शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी आपके कौन है, थॉर्नडाइक। तो ये कुछ हमारे जनकों से संबंधित क्वेश्चन हो गए। और जनकों से संबंधित जैसे कि अपन थोड़ा सा और डिस्कस चले, जैसे किशोरावस्था के जनक कौन है, स्टेनली हॉल है। और किशोर शब्द का प्रयोग भी सबसे पहले कब किया गया, 1904 में किया गया। किस पुस्तक में किया गया, एडोलसेंस पुस्तक में किया गया। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, विलियम वुंड है सर। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक है। पशु मनोविज्ञान के जनक कौन है, इनके भी जनक थॉर्नडाइक ही माने जाते हैं। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, तो थोड़ा सा आगे चलने के बाद सर हम ये चीज देखते हैं कि अपन थोड़ा पिछला रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, मनोविज्ञान के जनक, तो मनोविज्ञान के जनक कौन है सर आपके, अरस्तु। कौन है, अरस्तु मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं।
और मनोविज्ञान के जनक के बाद हम देखते हैं तो मनोविज्ञान की जननी कौन है। मनोविज्ञान की जननी कौन है? एक तो जनक हो गए, ये जननी हो गई, तो जननी कौन है सर? दर्शन शास्त्र। कौन सर? दर्शन शास्त्र। अगर आपके दिमाग में ये आंसर आया है तो बिल्कुल आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, सराहनीय कार्य कर रहे हो आप। और अगर मैं बात करूं आपकी दर्शन शास्त्र के जनक कौन है, कौन सर? दर्शन शास्त्र के जनक कौन है? तो दर्शन शास्त्र के जनक कौन है आपके? सुकरात। कौन सी रात सर? सुकरात। बिल्कुल सुकरात इनके दर्शन शास्त्र के जनक रहेंगे। अगर मैं आपसे बात थोड़ी सी इसको आगे लेकर के चलूं तो अभी हमने पढ़ा था प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक की अगर आपसे डिस्कस करें तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक भी आपके विलियम वुंड को माना जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए एक जो एक डिलेमा का विषय है, या फिर मैं ये कहूँ कि लोगों में बहुत सारा एक इश्यू रहता है कि भाई एक मनोविज्ञान है जिसे आप आधुनिकतम मनोविज्ञान के नाम से जानते हो, मॉडर्न साइकोलॉजी के नाम से जानते हो, तो उसका क्या इश्यू है वो देख लेते हैं। जैसे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंड है। क्योंकि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंड इसलिए है क्योंकि इन्होंने 1879 में, कब सर? 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, कहाँ पर? जर्मनी के लिप्जिंग शहर पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की और इस कारण इनको क्या कहा गया? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कहा गया। क्या कहा गया सर? जनक कहा गया। आगे हम देखते हैं तो एक बहुत शानदार क्वेश्चन है जिसे आप कहते हो आधुनिकतम मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, मनोविज्ञान के जनक। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंड ही है। कौन है सर? विलियम वुंड। लेकिन कुछ लोग और कुछ लोगों की पुस्तकों में, कुछ लेखकों की पुस्तकों में एक थोड़ा सा एक मेरे दृष्टिकोण से थोड़ा सा इश्यू मानता हूं मैं, क्योंकि आधुनिकतम मनोविज्ञान के जनक कुछ पुस्तकों में विलियम जेम्स को माना जाता है। किसको माना जाता है? विलियम जेम्स को माना जाता है, जो कि एक अमेरिकी नागरिक है, जो कि कहाँ के निवासी हैं? अमेरिका के निवासी हैं। और इनका तर्क क्या होता है कि विलियम जेम्स ने 1890 में, कब सर? विलियम जेम्स ने 1890 में एक पुस्तक निकाली थी। उस पुस्तक का नाम है आपकी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। कौन सी सर? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इस प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के अंतर्गत विलियम जेम्स ने, किसने सर? विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को, किसको सर? मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग या स्वतंत्र किया, अलग या स्वतंत्र किया। और इस कारण कुछ मनोवैज्ञानिक या कुछ लोग ये मानते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स। और अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक कौन है? मनोविज्ञान के जनक कौन है तो बताइएगा। बिल्कुल अमेरिका में जो मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं विलियम जेम्स को ही माने जाते हैं। किसको माने जाता है? माना जाता है विलियम जेम्स को माना जाता है। विलियम जेम्स की पुस्तक का क्या नाम है? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। कब सामने आई? 1890 में। इन विलियम जेम्स ने किया क्या था? उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जो कि 1890 में सामने आई, उस पुस्तक के अंतर्गत दर्शन शास्त्र से अलग या स्वतंत्र किया। किसे? मनोविज्ञान को। किसे अलग किया सर? मनोविज्ञान को। तो ये हमारा कुछ मनोविज्ञान से संबंधित कुछ बातें रही, उनके जनकों से संबंधित कुछ बातें रही थी, उनकी शाखाओं से संबंधित कुछ बातें रही थी। मेरी पिछली जो वीडियो है उस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि सर हमने कुछ उसके विकास पे हमने डिस्कस किया था, मनोविज्ञान का उद्भव पे हमने डिस्कस किया था, मनोविज्ञान से संबंधित समय समय पर
उसके रूप में जो परिवर्तन हुआ था उस पर हमने डिस्कस किया था। ये डिस्कस हमारा बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा और आगे भी अपन डिस्कस करते रहेंगे। तब तक आप इसको पढ़िए, देखते रहिए, और इससे आगे का जो एडिशन या एक आगे का जो एपिसोड आपसे अगली ही वीडियो में हम जरूर मिलेंगे। जब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।